ज्वेलरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, देख पा रहे हो ना, लिया था सरोजिनी मार्केट, बहुत ही ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो अगेन आई एम हियर फॉर यू ऑल माय लव्स गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी माई ह्यूज सरोजिनी मार्केट हॉल। या गाइस, मैंने ना रिसेंटली एक व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया था सरोजिनी मार्केट का, जहां से मैंने बहुत सारा स्टफ परचेज किया है, जिसमें कोरियन टॉप्स हैं, कुर्तीज हैं, सैंडल है एंड ज्वेलरीज है। बहुत सारा स्टफ हो गया है मेरे पास आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। जब से मैं आई हूं ना वहां से मार्केट से, मैं तब से यही सोच रही थी कि मैं कितना जल्दी आप लोगों के साथ में ये सारी कुछ शेयर कर दूं। सो आज फाइनली मैं बैठ गई हूं आप लोगों के सामने। और प्लीज गाइज वीडियो को एंड तक देखा करो और प्लीज एक लाइक भी कर देना गाइज, क्योंकि ना वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और सचमुच बता रही हूँ, जब आप लोग मुझे लाइक करते हो, कमेंट करते हो ना, तो मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ ना कि नो मैटर मुझे बहुत ज्यादा व्यू भी नहीं मिलता, लेकिन जो भी थोड़े बहुत लोग मुझे देखते हैं ना, मुझे जब वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को दिल से अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। और सचमुच गाइज थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। मैं सबका जितना हो सकता है सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच अगेन। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से यही बोला था और मैं इस वीडियो में भी आप लोगों से यही कहूंगी। तो गाइज मैं जितना भी कुछ लेकर आई हूं ना, ये सब कुछ मैं आप लोगों को डिवाइड करके ही शेयर करूंगी, मिक्सअप नहीं करूंगी, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा फिर। तो मैं फर्स्ट आप लोगों के साथ में सारे के सारे टॉप्स शेयर करूंगी, उसके बाद ज्वेलरीज, देन उसके बाद सैंडल, कुर्तीज, इस तरीके से, ताकि मैशअप ना हो जाए और मैं भूल भी ना जाऊं कि मैंने ये दिखाया या नहीं दिखाया। बहुत बार हो जाता है इसलिए। सो विदाउट वेस्टिंग मेनी मोर टाइम्स, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो गाइज फर्स्ट टॉप जो मैंने लिया था सरोजिनी मार्केट से, वो है ये ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन क्रॉप टॉप। बहुत ही ब्यूटीफुल है ना देखने में, और साइड में दिखाती जाऊंगी। मैंने इसको पहनकर भी दिखाया है, बहुत ही कंफर्टेबल है। बट थोड़ा सा अगर आप लोग डीप नेक नहीं पहनते हो तो ये प्रॉब्लम होगी कि आपको ये थोड़ा सा ना, इसका जो नेक है थोड़ा सा डीप है, बट उसके साथ में आप कुछ अंदर अगर वेयर कर लेते हो तो ये उतना नहीं दिखेगा, और बहुत ज्यादा भी डीप नहीं है। तो इस तरीके का कुछ है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सचमुच आप देख पा रहे होंगे गाइस, काफी अच्छा लगता है ये पहनने पर, मुझे बहुत पसंद आया। और इसका जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल ही अलग है। आप देख रहे हो उसकी स्लीव्स में यहाँ पर ना, सॉरी एंड गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी स्लीव्स पर ना रबड़ भी लगी हुई है, जो कि काफी कंफर्टेबल है और टाइट भी नहीं है बिल्कुल भी, कि मतलब पहनने पर हाथों में इस कुछ इस तरीके की दरारें पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर पीछे आप लोगों को ना यहाँ पे ये रबड़ दी हुई होती है, स्ट्रेचेबल है ये, तो अगर आपका वेट थोड़ा हैवी है तब भी आप इसको पहन पाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है। और इसमें 2-3 और कलर थे, लेकिन ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसको ही लेती हूँ। और ये उन्होंने मुझे प्राइस बताया था 350 रुपीज, बट मैंने बोला नहीं, मैं 350 नहीं दूंगी। तो बहुत कहने पर उन्होंने इसको मुझे 200 का लगाया था, दैट इज ओके। तो इतना हाई नहीं है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत प्यारा लगा मुझे ये टॉप। गाइस सेकंड टॉप है मेरा ये ब्यूटीफुल लाइट पर्पल कोरियन टॉप। मैंने आप लोगों से कहा था ना, इस टाइम पर मार्केट में घुस जाओगे ना तो आपको कोरियन टॉप ही दिखेंगे 100 की, 50 की सेल्स में। तो मैंने ये 100 रुपए का लिया था और इसको मैंने अपने ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉप। और गाइस इसका कलर ना शायद आप लोगों को नहीं इस वीडियो में साफ दिख पाया, मगर इसका बहुत ही प्यारा सा लाइट पर्पल शेड है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ना काफी अच्छा है, काफी कंफर्टेबल है और स्ट्रेचेबल भी है, जिससे आपको फिट हो जाएगा इजीली। और यहाँ पर ना ये बटन्स दी हुई हैं, जो कि जिनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए लगाई हुई है, जिनसे काफी अच्छा लुक आ रहा है इस टॉप में। और मैंने गाइस ये लिया था जस्ट ₹100 में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको ले लिया। नेक्स्ट गाइस मैंने लिया था ये ब्यूटीफुल पिंक टॉप, और इसमें ना होलो नेक दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा लगता है। और ये बहुत ही अच्छे फैब्रिक का, स्ट्रेचेबल है, मैं कह रही हूँ आप लोगों को बार बार, क्योंकि ना ज्यादातर कोरियन टॉप्स जितने भी होते हैं ना सारे स्ट्रेचेबल होते हैं, जो कि हर किसी को फिट हो जाता है इजीली। स्पेशली गाइस मैंने ना इसको इसके कलर की वजह से परचेज किया था और इसके नेक के डिजाइन की वजह से, क्योंकि ये डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। और गाइस ये मुझे मिला था जस्ट ₹100 में, यू कांट बिलीव ना। और गाइस बिल्कुल भी डैमेज नहीं है एक भी टॉप, तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली। और नेक्स्ट गाइस मैंने ये ब्यूटीफुल सा लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका प्रिंट बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें ना धागे की कढ़ाई है और मल्टी कलर्स में है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और ये मुझे मिला था जस्ट ₹100 में, कॉटन का है, काफी अच्छा इसका फैब्रिक है। तो इस वजह से गाइस मैंने इसको भी लिया और इसको मैंने पहन ही लिया। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में शेयर किया जाए आप लोगों को इसको पहन कर ही। जो टॉप है वो है ये ब्यूटीफुल पेस्टल ग्रीन कलर शर्ट और मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इसके कलर की वजह से लिया है। बहुत अच्छा लगता है गाइस, गर्मियों में आप कुछ भी अंदर टॉप डाल सकते हो या फिर कुछ भी आप अपनी इनर डालकर इसको ऊपर से वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। इसी कॉटन शर्ट है तो सरोजनी मार्केट में गाइस जस्ट ₹100 में आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी के ना इस तरीके के शर्ट मिल जाते हैं, टॉप्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं। सो हर कोई जाके ना इन सारे टॉप्स को परचेज कर सकता है बहुत ही इजीली। अब जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है ये मेरी ज्वेलरीज, जिनके लिए मैं मेन सरोजनी मार्केट गई थी। मुझे ना सिल्वर ज्वेलरीज बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। इयररिंग्स सबसे ज्यादा, मेरे को ना हर जगह मैं इयररिंग्स ही ढूंढती हूँ, तो या ये भी आ गई मैं आप लोगों के साथ में लेकर। तो फर्स्ट इयररिंग जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी, एकदम ना न्यू लग रहा था मुझे ये इयररिंग, तो मैंने सोचा इसको लेकर ही जाती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर जो करना है मुझे। और या गाइस सी बहुत ही प्यारा है, इसमें आप देख रहे हो ना ये ग्रीन, ये यहाँ पे ना रेड और एक और यहाँ पे ग्रीन है, तो ये कलर मतलब काफी ज्यादा प्यारा है। और यहाँ से ना इस तरीके के झुमके वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें घुंघरू लगे हुए हैं जो ना हल्के हल्के बज भी रहे हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ में हो या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ में हो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सो मैं लेके आ गई आप लोगों के लिए और मैं कब से मतलब इतना ज्यादा मैं उतावली हो रखी हूँ ना कि मैं जल्दी से आप लोगों के साथ में शेयर करूं और उसके बाद इन ज्वेलरीज के साथ में लुक्स क्रिएट करूं सच में। और बहुत प्यारा लगा था मुझे ये, बहुत ही हाई फाई रेट बता रहे थे वो इसका। इन्होंने मुझे बोला था पहले, तो इन्होंने मुझे बोला ₹300, मैंने बोला ना मैं 300 बिल्कुल नहीं दूंगी। और फिर उसके बाद भी मतलब कम करवाते करवाते फिर 250 पे आए वो, मतलब फिर उन्होंने आखिर में आके मुझे ये ₹150 का दे दिया था और वो भैया बहुत स्वीट थे। तो मुझे ये इयररिंग ना बहुत पसंद आएगा। और गाइस नेक्स्ट जो इयररिंग्स है ना वो भी बहुत प्यारे हैं। मे भी आप लोगों को ये फर्स्ट वाले से ज्यादा अच्छा लगे क्योंकि आप देख पा रहे होंगे गाइस कितना ब्यूटीफुल है ना सच में। इसमें ना ये कुछ इस तरीके के शंख टाइप में लगे हुए हैं, आई डोंट नो मैं इनका नेम शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ सही से। तो और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे ये मोतियों का वर्क है, यहाँ पे आप मोती देख पा रहे हो। इसका प्राइस तो उन्होंने मुझे 400 बता दिया था और मैंने सोचा शायद मैं इसको नहीं ले पाऊंगी, लेकिन वो भैया बहुत स्वीट थे, बोलते बोलते उन्होंने कम ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे इसको ₹200 में दिया था और मुझे बहुत प्यारा लगा ये। ₹200 अगर उन्होंने मुझसे लिया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीस भी काफी अच्छा लग रहा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है गाइस। इसके साथ मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे लुक्स भी क्रिएट करूंगी और वो भी जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। नेक्स्ट गाइस ये ना मोती का नेकलेस है जिसको ना मैंने सरोजनी मार्केट मेरे ब्लॉग में शुरुआत में ही दिखाया था आप लोगों को। जस्ट ₹50 में उन्होंने मुझे ये दिया था, बहुत ही प्यारा है, लुक्स क्रिएट करने के लिए लिया था। कोई ना कोई ऐसा लुक आ ही जाता है जिसमें कुछ इस तरीके का पहना होता है किसी भी सेलिब्रिटी ने, तो इस वजह से मुझे ये दिखा और जस्ट ₹50 में था, तो मैंने सोचा मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, इसलिए मैं इसको लेकर आ गई हूँ। बहुत ही प्यारा है ये, इस तरीके से यहाँ से ये ओपन हो जाता है और इस तरीके से आप इसको पहन सकते हो। गाइस मैंने जो लिया है वो है ये एक नेकलेस सेट और ये मुझे मिला था जस्ट ₹150 में। यू गाइस कांट बिलीव ना, क्योंकि अदर जगह पे अगर मैं देखूँ ना तो यही मुझे देंगे वो लोग ₹250 में, ₹300 में, लेकिन उन भैया ने मुझे जस्ट ₹150 में दिया था। और इस शॉप की मैंने ना वीडियो भी बनाई हुई है, जस्ट मैंने एंट्री जैसी की थी सरोजनी मार्केट में ना वैसे ही उनकी शॉप थी, तो वहां से मैं इसको लेके आई हूँ। और इस तरीके से बॉक्स में था ना तो मैंने इसको निकाला नहीं, मैंने सोचा कि बॉक्स में रहता है ना गाइस तो काफी सेफ रहता है ये। और बहुत ही प्यारा ग्रीन है ये कलर, आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसकी कुछ इस तरीके का, मैं इसको निकालूंगी नहीं गाइस, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और इसमें ना ये इसकी जो है इयररिंग्स हैं काफी प्यारे हैं और इसमें टीका भी दिया हुआ है इसी तरीके का, काफी अच्छा है। मोतियों का ये हार है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इस वजह से मैंने इसको भी ले लिया। नेक्स्ट गाइस मैंने ना एक रिंग ली थी और ये रिंग मुझे बहुत प्यारी लगी थी, जस्ट ₹50 में उन्होंने मुझे ये दी थी। और कोई कोई ना ₹30 में भी दे रहे थे, जो छोटी छोटी थी और जो थोड़ी बड़ी थी जिनमें थोड़ा ज्यादा वर्क था वो उन्होंने मुझे ₹50 की दी थी, तो ये मुझे 50 का मिला था। और आप देख पा रहे होंगे ना कितनी ज्यादा प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली रिंग। और उनके पास और बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही इतना कुछ नहीं ले लेती हूँ, और बार आऊंगी मार्केट में तो लेके जाऊंगी। और इनकी ना मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है मेरे सरोजिनी मार्केट वाले ब्लॉग में। जस्ट एंटर करते ही गेट नंबर 3 से वहां पे सामने उन्होंने ढेर सारा ढेर लगा के रखा हुआ था, तो वहां से मैंने इसको लिया। और है गाइज ये ना मिरर के वर्क का बहुत ही प्यारा घुंघरू लगा हुआ बैंगल, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप देख पा रहे हो ना गाइज, मुझे ना बहुत सारे लुक्स क्रिएट करने रहते हैं मेकअप के, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी जाती है इसमें नीचे की तरफ में। और ये ना हर ड्रेस के साथ में बहुत अच्छा लगता है। अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने ना इनकी आप लोगों को वीडियो भी शेयर की हुई है मेरे सरोजिनी मार्केट वाले ब्लॉग में, जिसमें मैंने आप लोगों को इसको पहन पहन के दिखाया हुआ था। और ये मुझे दिया था उन्होंने, वो ना काफी हाई फाई रेट बता रहे थे, इसका 200 बता रहे। मैंने कहा 200 में नहीं हो पाएगा भैया आप मुझे, फिर वो 150 कहने लगे, तो 150 में भी मैंने नहीं बोला, तो उन्होंने मुझे इसको 100 रुपीज में दिया था। और 100 रुपीज में मैं इसको कह सकती हूँ कि हाँ 100 रुपीज ओके है इसके लिए, क्योंकि इसमें वर्क काफी अच्छा है गाइज, मिरर का वर्क है, और इसमें साइड से नीचे नीचे की तरफ भी घुंघरू लगे हुए हैं, साइड में भी घुंघरू लगे हुए हैं, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। आगे ना गाइज मैंने ना एक चोकर लिया था, और ये मैंने उसी शॉप से लिया था जहां से मैंने बैंगल्स लिए थे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मल्टी कलर में मुझे मिला था, और ये भैया ने मुझे दिया था आई थिंक 200 रुपीज में। तो 200 रुपीज मुझे थोड़ा ज्यादा लगा इसके लिए, लेकिन मेरे पास मल्टी कलर में कोई भी इस तरीके का नहीं था, तो इसलिए मैंने ये लिया। और मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये, सच में गाइज बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसमें नीचे घुंघरू का वर्क है और ये मल्टी कलर में आप देख रहे हो। इस शर्ट के साथ भी ये काफी अच्छा लग रहा है, और इसके साथ भी बहुत अच्छे अच्छे लुक क्रिएट करूंगी जो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूंगी वीडियो में। बहुत प्यारा लगा गाइज मुझे ये सच में। नेक्स्ट गाइज अगेन मैंने ना ये इयररिंग्स लिए थे, और ये मुझे जस्ट 30 रुपीज में मिला था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी ले लेती हूँ, लुक्स क्रिएट करने के काम में आएगा। थोड़ा सा गाइज और आगे गई थी ना, तो वहां पर भी मेरे को बहुत प्यारे प्यारे ना 30 रुपीज में इयररिंग्स मिले थे, तो मैंने ये स्टार वाले लिए थे इयररिंग। बहुत प्यारा लग रहा है ना, लाइक आप कैजुअल कुछ बाहर आने जाने के लिए भी इस तरीके का कुछ पहन सकते हो, है ना। और इसमें घुंघरू का वर्क था स्टार के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये, तो मैंने गाइज सोचा कि मैं इसको भी लेकर चलती हूँ और इसके साथ भी लुक्स क्रिएट करूंगी, अच्छा रहेगा। गाइस नेक्स्ट टाइम मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल 4 चेन्स ली थी, जो कि मुझे जस्ट 100 रुपीज में मिली थी, जिसको मैंने आप लोगों को मेरे सरोजिनी मार्केट वाले ब्लॉग में दिखाया हुआ है। और जस्ट 100 रुपीज में उन्होंने मुझे 4 चेन्स दी थी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें कहीं पे गाइस ये पांडा बना हुआ है, कहीं पर ये आप लोगों को ये रेनबो की तरह की मिल जाएगा, और ये बटरफ्लाई और ये नजर का कुछ इस तरीके का, तो मैंने इसको ले लिया गाइज। मैंने ना जैसे ही एंट्री किया वैसे ही वो अंकल मेरे सामने लेकर आ गए इसको, मैंने कहा ले ही लेती हूँ। मैंने जो लिया था वो है ये ब्यूटीफुल हेयर क्लिप का सेट, और ये मुझे मिला था जस्ट 50 रुपीज में। मैंने इसको भी आप लोगों को सरोजिनी मार्केट वाले ब्लॉग में स्टार्टिंग में ही शेयर किया था कि इस तरीके का कुछ हेयर क्लिप के सेट वो लोग 50 रुपीज में देते रहते हैं, और बहुत ही प्यारा है ना सच में। मैं इसको जब से लेके आई हूँ ना, मैंने ओपन भी नहीं किया, क्योंकि मैं अगर इसको ओपन करती ना तो एक आध दो में लगा ही लेती, और मैंने चाहती थी कि ये सेट बेकार हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके के प्यारे प्यारे हेयर क्लिप। आप देख रहे हो किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में गर्ल लिखा हुआ है, किसी में किस लिखा हुआ है, किसी में कुछ, तो काफी अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्टिव सा लगता है। ऐसा ही ना मैं पहले भी लेकर आई थी जिसमें ना टेडी बना हुआ था, किसी में कुछ बना हुआ था, लेकिन ये थोड़ा मुझे ना डिफरेंट लगा, तो मैंने सोचा कि इसको भी ले लेते हैं, और या मैं लेके आ गई इसको। नेक्स्ट मेरे पास है ये पिन्नी भर के हेयर चंकीज, क्योंकि ये मुझे मिली थी जस्ट 50 रुपीज में 7, तो मैं जल्दी से उसमें ना ढेर लगा रखा था उन्होंने, तो मैं जल्दी से उसमें छाटने लग गई थी कि मैं इसमें से जल्दी जल्दी से पसंद कर लेती हूँ, और वो भी मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जिसको आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी उस ब्लॉग का। और गाइज यहाँ पे ना देख पा रहे होंगे 7 मेरे पास यहाँ पे चंकीज है, बहुत ही प्यारी प्यारी है, और बहुत सारे कलर्स में थी, तो मैंने इसमें ना सारे चूज कर लिए, और रबड़ भी काफी अच्छी होती है इसकी। वहां पर भी गाइज मैं ना इसको इस तरीके से खींच खींच कर देख रही थी कि ये बेकार तो नहीं है कहीं, क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा वो कि मुझे चीजें ना बिल्कुल भी डैमेज नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए, भले ही वो कम प्राइस में क्यों ना हो। एंड या बहुत ही अलग अलग कलर में थी, जो कि मुझे काम लगता ही रहता है, इस वजह से गाइज मैं इतना सब कुछ खरीद के ले आती हूँ। ये कोई शॉप नहीं है, बहुत सारे लोग मे भी ऐसा सोच सकते हैं कि ये इतना सब कुछ हमको मतलब दिखा रहे हैं, बट गाइज क्योंकि मेरा ये काम है, इस वजह से मुझे ये सब कुछ टाइम टाइम पर लेना पड़ता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में शेयर भी करना, ताकि मैं आप लोगों की भी हेल्प हो सके, और आप लोग भी इस तरीके का सस्ता सस्ता सामान सरोजिनी मार्केट से जाके ले पाओ। मैंने ना कुछ कुर्तीज भी ली थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं इस तरीके का ही कुछ वेयर करती हूँ, और घर में भी मुझे पहनने के लिए कुछ कुर्ता वगैरह चाहिए था क्योंकि अब समर स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से। तो मैंने ना ये कुर्ता लिया था गाइस, जस्ट 100 रुपीज में था। एंड बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है, मिक्स कॉटन है बट काफी अच्छा है। और आप देख पा रहे होंगे गाइस काफी लूज है। गाइस ये मुझे मिला था जस्ट ₹100 में, और 100 रुपीज में इतना अच्छा कपड़ा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते ये प्रोडक्ट, सॉरी गाइज, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते ये कपड़े। गाइज नेक्स्ट मैंने ली थी ये मैक्सी ड्रेस, और मैंने इसको लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है। और ये जो इस पे प्रिंट है ना, ये छोटे छोटे, ये जो इस पे फूल बने हुए, ये इसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा था और इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। इस वजह से मैं गई जल्दी से और मैंने इसको लिया। ये मुझे 250 रुपीज में मिला था बट गाइज बहुत अच्छा है ये। और इस ये ना मिक्स कॉटन में है, काफी लॉन्ग है, आप देख पा रहे होंगे। साइजेस भी अवेलेबल थे तो मैंने तो इसको ले लिया। गाइज मैंने ना ये एक हैट ली थी और लुक एट द कलर, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये। और इसमें एक यूनिकॉर्न का साइन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं। और ये मुझे मिला था गाइज जस्ट 200 रुपीज में। ये ना काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइज सैंडल्स की। तो मैंने सिर्फ एक सैंडल ली थी वहां से और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी गाइज। लुक एट द कलर, कलर बहुत प्यारा है ना इसका, और ना काफी ज्यादा ट्रेंड में है इस टाइम पर। और अगर आप ऑनलाइन देखते हो ना तो ये आप लोगों को कहीं 1000 रुपीज में, कहीं 800 रुपीज में, बहुत हाई प्राइस में दिखेगा। मगर सरोजिनी मार्केट में मुझे ये मिला था जस्ट 250 रुपीज में। एंड बहुत ही अच्छा है सचमुच, ये जो है ना काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है सच में। और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा हाई हील भी नहीं है। मैंने इसको भी अपने सरोजिनी मार्केट वाले ब्लॉग में शेयर किया आप लोगों के साथ में। मुझे ये काफी प्यारी लगी है, और या आप लोग भी गाइज जाके ले सकते हो। और गाइज ये नहीं है कि सरोजिनी मार्केट में सिर्फ एक ही शॉप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी, बहुत बड़ी मार्केट में बहुत सारी शॉप है इस तरीके की स्लीपर्स की। तो 250 की रेंज में, 300 की रेंज में, 350 की रेंज में, 200 की रेंज में इस तरीके के स्लीपर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज है ना, मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं उसको अपना लक बोलूं या फिर देर से सरोजिनी मार्केट से निकलने को बताऊं। क्या हुआ ना कि मैं जैसे सरोजिनी मार्केट से निकली ना, थोड़ा सा आगे जाने पर ना उन्होंने बहुत सारा ढेर लगा रखा था स्वेटर्स का, और वो ना जस्ट 100 रुपीज में 500 रुपीज में 5 स्वेटर्स चिल्ला रहे थे। तो मैं ना जल्दी से वहां पे घुस गई गाइस, और अंधेरा हो गया था, भीड़ भी इतनी ज्यादा थी, इस वजह से वीडियो बना नहीं पाई। लेकिन फिर मैंने ना वहां से 20 रुपीज का, मीन्स 100 रुपीज में 5 है तो 20 रुपीज के 1 स्वेटर हुआ। तो मैंने ना वहां से 4 स्वेटर ले लिए थे, क्योंकि एक फिर मतलब इतनी भीड़ लग गई थी ना कि लोगों ने जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे छाट लिए थे। तो मुझे जो अच्छा लगा तो वो मैंने इसमें से 4 ही मैं सिर्फ ले पाई, लेकिन मैं लेके आई। और बहुत ही अच्छे हैं सारे, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, और मतलब उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि मैं मतलब बता नहीं सकती आप लोगों को। अगर आप ऐसा शॉप पे लेने जाते हो तो वो आप लोगों को मिलेगा 500 800 का। बट मैंने जो यहाँ पे लिए ना इतने सारे गाइस स्वेटर्स हैं, इसमें अनबिलीवेबल थे, काफी अच्छे थे, तो इस वजह से मैंने ले लिया। वैसे तो अब विंटर नहीं रही, नाम भर के ही रही है, लेकिन गाइज ये आगे के लिए काम आएंगे, तो इस वजह से मैंने ले लिया। मैंने कहा मौके पे चौका मार दो, और मैंने ढेर सारे स्वेटर उसमें से छाट लिए गाइज। तो 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। सबसे अच्छा जो मुझे ये लगा ना, ये वाला गाइज सबसे अच्छा मुझे ये लगा था। मतलब आप देख रहे हो ना कितना अच्छा इसमें डिजाइन है, और ये ना ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर है गाइज, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और मतलब बिल्कुल भी ना डैमेज नहीं है। ये चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको जल्दी से ले लिया। आप देख सकते हो आगे से भी पीछे से भी, मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्वेटर्स हैं। और नेक्स्ट जो था ना गाइज, ये मतलब मुझे ना बिलीव नहीं हुआ कि क्योंकि ना बिल्कुल न्यू दिख रहा है, और आप देख रहे हो ना इसका स्लीव्स काफी अच्छा, छोटा भी नहीं है, काफी अच्छा रहेगा। और ना इसमें इस तरीके का ये जो सॉफ्टनेस है ना इसमें, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जस्ट 20 रुपीज में आप बिलीव ही नहीं कर सकती कि 20 रुपीज में इतना अच्छा कुछ मिल सकता है। और नेक्स्ट गाइज ये था, ये ना पेस्टल कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप देख रहे हो इसके स्लीव्स पे ये जो मल्टी कलर है ना, ये इसको बिल्कुल डिफरेंट बना रहे हैं, और मतलब इसकी क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है सच में। यहाँ पे ना मतलब ये इस तरीके का ना, ये बहुत अलग डिफरेंट सा डिजाइन है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि डैमेज है, नहीं डैमेज नहीं है इसका, ये डिजाइन है। मुझे भी पहले ऐसे लगा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो मैंने ये भी ले लिया। और लोग ना गाइस इतना जल्दी जल्दी छाटने में लग गए थे ना, तो इस वजह से मैं भी उसी में थी और वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि मतलब इस तरीके का कुछ होता है तो वीडियो नहीं बन पाती, और रात हो गई थी तो दिखता भी नहीं शायद। और नेक्स्ट जो था ना गाइज वो ये है, ये शायद उल्टा है, इसको सीधा करना पड़ेगा गाइज ना। ये नहीं सीधा ही है ये। ओ माय गॉड, मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ गाइज। नहीं ये उल्टा था, इसको सीधा करना पड़ रहा है। और ये ना बहुत अच्छा लग रहा था गाइज, मतलब आप देख रहे हो ना कितना प्यारा ड्रेस है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने आप लोगों को पहन के नहीं दिखाया क्योंकि इस तरीके का मैं नहीं वेयर करती हूँ, और इसमें अंदर कुछ लगा के उसके बाद पहन के इसको, क्योंकि अब विंटर्स खत्म है तो मैंने सारी चीजें डाल दी है अपने बेड में, इसको पहन के नहीं दिखाया आप लोगों को। मगर ये पीस बहुत देख पा रहे हो ना, बहुत प्यारा है गाइस सच में। यहाँ पे ना ये बटन्स दी हुई हैं और ये काफी लॉन्ग है, स्ट्रेचेबल भी है और ये अब मेरे नेक्स्ट ईयर ही काम आएगा शायद। तो या बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो गाइज मैंने ना 4 ही लिए थे क्योंकि जल्दी जल्दी छट गए थे और उसके बाद कुछ अच्छा था नहीं कुछ बढ़िया, तो इस वजह से मैंने ये लिए। तो गाइज ये था मेरा ह्यूज सरोजनी मार्केट हॉल। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और गाइज प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।